हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एमसीक्यू का ये आपका नाइन्थ पार्ट है, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट और आपको मिलेंगे। आई थिंक जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे फंस जाएंगे आप। प्लीज़ इसको आप देखते रहिए, जो भी चीज़ें फंस रही हैं एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देखते रहिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे आराम से। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच फॉर्मेट यूज टू स्टोर डाटा, ठीक है। डाटा स्टोर करने के लिए हम BCD यूज करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल का यूज करते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा ऐड किस में कंपेयर, तो बहुत सिंपल है, आपको मालूम है CPU चिप में ही सारा होता है, मेमोरी हार्ड डिस्क फ्लॉपी किसी में नहीं होता, CPU चिप में ही होता है सारा काम, ठीक है। नेक्स्ट, इन द 8-bit इनकोडिंग फॉर्मेट यूज टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर। 8-bit इनकोडिंग फॉर्मेट होता है वो आपका EBCDIC होता है। इसका मतलब होता है इनकोडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डज ए माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। माइक्रो कंप्यूटर क्या क्या होता है, अभी से आपको मालूम है, मेमोरी भी होती है, पेरिफेरल इक्विपमेंट भी होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। ये तो कोई छोटा सा बच्चा भी कर देगा, उसको मालूम होगा। डैश इज यूज्ड इन सोर्स प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली मालूम आपको मालूम है कि आपको वही चीज़ नहीं आती ढंग से, उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। पढ़ लो अच्छे से बेटा, यही जिंदगी है, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से थोड़ा दूर हटो, थोड़ा सा वो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पे ध्यान दो, ये सब जो कंप्यूटर टच है खाली बना रहे हो पास होने के लिए, ठीक है। जो भी आपको ध्यान देना है वो प्रोग्रामिंग ही ध्यान देना, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो। विच ऑपरेशन एक CPU डज नॉट परफॉर्म, कौन सा ऑपरेशन CPU परफॉर्म नहीं करता, तो यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन करता ही है, लॉजिक ऑपरेशन भी करता है, डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन ये नहीं करता CPU, इसका काम नहीं होता डाटा ट्रांसफर करना, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज मेड ऑफ सेमी कंडक्टर, किस सेमी कंडक्टर द्वारा किया, तो वो आपका जो है रैम होता है वो आपका सेमी कंडक्टर से बना होता है, बाकी हार्ड डिस्क जो होते हैं आपके वो मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, CD आपका ऑप्टिकल डिस्क होता है, फ्लॉपी भी आपका मैग्नेटिक डिस्क ही होता है, तो इसके थ्रू बने होते हैं, तो आपका रैम ही होता है जो सेमी कंडक्टर होता है। और सेमी कंडक्टर क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। व्हाट इज ए पाइपलाइनिंग स्टडी कार्ड, पाइपलाइनिंग स्टडी का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन को भैया पहले फैच कर लो, एग्जीक्यूशन हो रहा पहले फैच करके रखो, तो इंस्ट्रक्शन प्री फैच का काम होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, फास्ट एंड स्मॉल रैम आर नोन एज, फास्ट एंड स्मॉल रैम या हो सकता है SRAM, स्टैटिक रैम पूछ ले कि क्या बोला जाता है, सब कैश बोला जाता है, ठीक है। ये आपका ये DRAM से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, DRAM से डायनेमिक रैम, जो आपका रैम होते हैं डायनेमिक रैम जो जनरली आप यूज कर रहे हो, तो जो आपके में 4 GB या 8 GB होगा वो डायनेमिक रैम होता है। कैश मेमोरी आपकी जो है दो टाइप की होती है, L1 कैश L2 कैश, ठीक है। आपको क्या होता है दोनों होता है कि, तो आई थिंक आपको फंडामेंटल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो बस ये जान लो, कैश जो होता है आपका वो रैम और प्रोसेसर के बीच में लगा होता है, वो थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा देता है, कैसे स्पीड बढ़ाता है ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। व्हाट इज स्टैक, स्टैक क्या होता है, ठीक है। तो स्टैक 16-bit रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेमोरी एड्रेस ऐसा नहीं होता। असेट मेमोरी लोकेशन इन RWM रिजर्व फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्प्रेरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यही इसका करेक्ट आंसर है, यही आपका काम करता है स्टैक, ठीक है। एक्चुअली स्टैक का बहुत ज़्यादा काम, स्टैक एक्चुअली बोला जाएगा ढंग से अगर देखा जाए, स्टैक अपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होता है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक का बहुत ज़्यादा यूज होता है जब फंक्शन कॉलिंग होती है, जब रिकर्जन यूज हो रहा होता है, इवन जब आप इंस्ट्रक्शन को जो है आप एग्जीक्यूट कर दो, जैसे आप कोई भी अगर आप मान लो आपने ऐसा लिखा हुआ है कि a+b+c+c×d, तो ये सबको भी आपको ऐसा a नहीं आया तो गलती भी लिख दिया, तो चलो a, ठीक है। इन सबको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए भी स्टैक कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो अब कैसे यूज हो रहा होता है वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब आपने पोस्ट प्रीफिक्स अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है पढ़ा लो बेटा, ठीक है, कहाँ है जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, टू स्टोर द इमीडिएट रिजल्ट द CPU टेक हेल्प फ्रॉम, ठीक है। किससे होता है वो एक्चुअली जो स्टोर करने के लिए जो एक्यूमुलेटर यूज किया जाता है, ठीक है, इसमें जो है इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर एक्चुअली में होता क्या है, स्टैक पॉइंटर मतलब जो इंडिकेट करता है भैया इस आपका जो है कहाँ से स्टैक चालू है, ठीक है। तो क्या लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन वेयर द सब रूटीन एड्रेस इज स्टोर, नहीं सब रूटीन की बात नहीं हो रही है। आ रजिस्टर
इन विच फ्लैग बिट आर स्टोर, नहीं इसका भी नहीं। 16 बिट रजिस्टर इन द माइक्रो प्रोसेसर डेट इंडिकेट द बिगिन ऑफ स्टैक मेमोरी, हाँ इसका करेक्ट आंसर यही होता है कि बिगिन ऑफ होता है 16 बिट का होता है और बिगिन ऑफ मेमोरी को वो आपको रिप्रेजेंट करता है। नेट व्हाट इज द मेन वर्चू फॉर यूजिंग सिंगल बस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंगल बस स्ट्रक्चर यूज होने का सबसे फायदा क्या मिलता है भैया, सस्ता पड़ता है, ठीक है। मतलब महंगा कम गरीब हो तो महंगा नहीं खरीद पाओगे, ठीक है, सस्ता पड़ता है। साथ ही साथ जो है बहुत इजीली जो है आपके जितने भी डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं उससे कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो कास्ट इफेक्टिव ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड इजी टू अटैचिंग पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। तो यही आपका ऐसा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। फास्ट डाटा ट्रांसफर फास्ट तो भैया बिल्कुल नहीं होगा, भैया सिंगल है यार, काहे इस पर लोड दोगे फास्ट, तो फास्ट कैसे हो पाएगा सिंगल से, ठीक है। जैसे देखो जैसे एडवांटेज ऑफ ए सिंगल बस ओवर ए मल्टी बस, ठीक है। सिंगल बस है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो है फ्लैक्स जो ये है तो फ्लेक्सिबिलिटी टू अटैचिंग फ्लेक्सीबल हो जाता है, कास्ट का जो है सस्ता हो जाता है, थोड़ा सस्ता है तो आराम से इसको यूज कर सकते हो, तो लो कास्ट भी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। डैश 15, ठीक है। इन वेरियस डिवाइस डैश आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डाटा ट्रांसफर स्पीड, तो डैश किसका यूज करता है, दो ओवरकम द डिफरेंस इन डाटा, दो डिफरेंस डाटा ट्रांसफर स्कीम का मतलब का होता है, दो होता का है, हमारे मेमोरी से जब डेटा रीड हो रहा होता है और रजिस्टर टू रजिस्टर जो मेमोरी से, मान लो अब एक बंदा आपको बहुत धीरे धीरे कोई चीज दे रहा है और आप बहुत तेज काम कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको बार बार वेट करना पड़ेगा, अरे यार जल्दी दो तो हमारा काम करें, ठीक है। तो मेमोरी जो डेटा रीड हो रहा था बहुत धीरे धीरे हो रहा था, स्लो होता है, सीपीयू अपना काम बहुत तेजी से कर रहा होता है। अब समस्या ये आती है कि भैया सीपीयू को बार बार वेट करना पड़ रहा है अपना काम लेने के लिए, उसके लिए हम जो बीच में जो है एक बफर लगा देते हैं, बफर रजिस्टर, वहाँ पर जो है जाके डेटा स्टोर होते हैं, वहाँ से जो है सीपीयू आराम से स्टोर करते हैं, वहाँ से तो इसलिए हम यूज करते हैं बीच में, उससे यूज करते हैं बफर रजिस्टर का, ठीक है, कि पहले कुछ डेटा इसमें स्टोर, जैसे आप जब अगर आप देखे होगे जनरली आप जब कुछ वीडियो देखते हो तो कुछ ना कुछ डेटा जो है उसमें स्टोर होते हो जाते हैं, तब आपका जो है वो प्ले होता है वीडियो, तो पहले कुछ जैसे बोलते हैं लोग कहते हैं बफरिंग हो रहा है वही, मतलब पहले कुछ डेटा स्टोर हो जाए उसके बाद जो है अपना वो काम करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, काम यहाँ समझ लो, ज़्यादा एग्जाम्पल देने भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलो व्हाट इज एन एक्स्ट्रा क्लॉक नीड इन सीरियल कम्युनिकेशन, तो एक्स्ट्रा क्लॉक नीड होता है उसे, वाई क्यों नीड होता है, वो नीड होता है फॉर प्रोग्राम बाउंड रेट कंट्रोल, ठीक है। प्रोग्राम बाउंड रेट कंट्रोल करने के लिए हमारा जो है वो एक्स्ट्रा क्लॉक जो है नीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस, ठीक है। तो इसको आपको एक्सटेंड करने के लिए हमको जो यूज करना पड़ता है वो यूज करना पड़ता है PCI बस का। PCI का फॉर्म क्या होता है आपका, वो होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। तो इसका बस का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट What does the INSI stand for? INSI का फुल फॉर्म होता है अमेरिका नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपका पहला वाला ही आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, तो कुछ टिक मार दो, सोचो समझो ना बस लगा दो, ठीक है भैया पढ़ो के लगाना या मजाक कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट What does a bus standard developed by IBM for their line of computer PCIe card? ठीक है, तो ऐसा है ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये क्वेश्चन जल्दी कोई कर नहीं पाता है, ठीक है। तो इसका जो ऐसा क्योंकि पता नहीं कौन सा IBM बनाया जा रहा है, तो हम लोग हर स्टैंडर्ड का कंप्यूटर थोड़े देख पाएंगे, ठीक है। तो इस बेसिक इन्फॉर्मेशन रखो, तो मैं बता देता हूँ इसका जो आंसर होता है वो ISA होता है। ISA इसका फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ISA ही इसका आपका करेक्ट फुल फॉर्म होता है। बहुत लोग होते हैं लगे पढ़ते हैं, ज्ञान जिसके पास ज़्यादा होता है वो रखते हैं सब ज्ञान, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है तो रखिए, हमको तो कहते ज़्यादा ज्ञान रखने से अच्छा है आपको प्रोग्रामिंग थोड़ा बढ़ा लो या प्रोग्रामिंग ढंग से करना सीख लो, ठीक है। प्रोग्रामिंग ढंग हो जाए तो भाई कोई टेंशन नहीं, ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, अच्छा खासा कमा ले जाओगे, ठीक है। देन देखते हैं व्हाट इज द एड्रेसिंग कार्ड डेट यूज इन एन इंस्ट्रक्शन,
मतलब इसमें जो इंस्ट्रक्शन है इसमें कौन सा ऐड एक्स कमा वाई, ऐसे एक्स स्पेस वाई यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्टली वेरिएबल वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं जिसको बोलते हैं आपका एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट ही यूज हो रहा होता है यहाँ पर। इमीडिएट में आपको मालूम होगा, इमीडिएट में डायरेक्टली हम जो है वो क्या क्या करते हैं, वो हमारा इंस्ट्रक्शन में ही हमारा डाटा दे देते हैं या किस डेटा को ऐड करना है, यहाँ पर डाटा डायरेक्टली नहीं दिया गया है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, हमारा जो डेटा एक रजिस्टर मिलता है, रजिस्टर में फिर एक एड्रेस मिलता है, वहाँ पर जाना फिर से जाना पड़ता है, मतलब तमीज़ से डेटा नहीं मिलेगा आपको। यहाँ भेजा जाएगा, फिर बोला जाएगा कि रामू को इस घर में खोज के आने का, फिर वहाँ पर जाने का, फिर वहाँ पर भी रामू नहीं मिलने का, तो वहाँ पर फिर आपको एक एड्रेस मिलेगा, तो वहाँ पर फिर वहाँ उस एड्रेस पर जाने का, फिर रामू मिलेगा आपको, फिर रामू को लेके आने का और उसको जो भी क्रियाक्रम करना है तो कर देने का। तो यह इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंडेक्सिंग मोड। ठीक है, इंडेक्स इंडेक्स में हमारा इंडेक्सिंग भी आता है। ठीक है, वो क्या होता है ढंग से पढ़ लेना, मैंने इसके ऊपर इंडेक्सिंग मोड अच्छा ढंग से वीडियो बनाना है। ठीक है, इसको देखने का समझ में आएगा सारा। ठीक है, तो अभी इसको जो है इसका आंसर है वो सी है। डैश इज द बस यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द मॉनिटर टू द सीपीयू, कौन सा इसमें होता है, वो आपका जो होता है वो होता है यस सी यस आई। ठीक है, यस सी एस आई का फुल फॉर्म होता है इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है थ्रू विच टेक्निक द स्पीड इम्बैलेंस बिटवीन मेमोरी एक्सेस एंड सीपीयू ऑपरेशन, ठीक है, कैन बी रिड्यूस। ठीक है, किसके थ्रू इसे रिड्यूस कर सकते हैं, दो ऐसा होता है, एक तो होता है तो कैश तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, कैश लगाने से थोड़ा सा ये होता है कि मेमोरी एक्सेस बहुत तेजी थोड़ा सा तेज हो जाता है, मतलब जो चीज़ जरूरत है उसको कैश में रखने का, वहाँ से जो मतलब जो बार बार जरूरत पड़ रही, मतलब जो चीज़ ऐसी जरूरत नहीं, मतलब जिसके जैसे मान लो कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा करो, टाइपिंग वाला बहुत ज़्यादा काम करो, कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार यूज हो रही होती हैं, तो ऐसे ऐसे डाटा को ऐसे इंस्ट्रक्शन को कैश में रखने का, वहाँ से डायरेक्टली सीपीयू को जो है एक्सेस करने में फास्ट होने का। ठीक है, फास्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मेमोरी से बार बार करोगे तो प्रॉब्लम होती है, इसे कैश बनाया गया। ठीक है, अब कैश के बारे में डिटेल में जानना है तो भैया तो आप पढ़ लो। ठीक है, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद एक इंटरलीविंग भी टेक्नोलॉजी होती है जिससे मेमोरी का जो है आपका वो स्पीड बढ़ जाता है, तो ये दोनों तरीके जो होते हैं वो यूज होते हैं। क्या इसका मतलब, डी आपका जो करेक्ट आंसर है, ए और बी। ठीक है, सॉरी ए एंड बी आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इस जो है इसमें इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।